हेलो गाइज, आज मैं आपको घुमाने लेके आया हूँ वृंदावन की गलियों में, जो कि दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट साल भर आते रहते हैं। एक्चुअली मैं इवनिंग के टाइम वृंदावन पहुँचा था, तो सबसे पहले पहुँच गया प्रेम मंदिर घूमने के लिए। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, प्रेम मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही थी, और उसका रीज़न है ये लाइटिंग, जो कि मंदिर में बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है। मेन मंदिर के अलावा प्रेम मंदिर का पूरा कैंपस बहुत ही बड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। वृंदावन में इवनिंग में घूमने के लिए आपको इससे बेहतरीन जगह नहीं मिलने वाली है। प्रेम मंदिर से थोड़ा आगे जाने पे आपको मिलेगा इस्कॉन टेम्पल, जिसमें जाके आपको पूरा माहौल ही भक्ति में देखने को मिलेगा। इतना खूबसूरत मंदिर है और वहाँ का क्राउड इतना अच्छा लगता है आपको क्या ही बताऊँ मैं। इस्कॉन टेम्पल में जीवन चक्र को दर्शाती है झांकी, आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमको किस बात का घमंड है, सब कुछ तो प्रभु का दिया हुआ है और एक दिन उन्हीं में मिल जाना है। वृंदावन में डे टू की शुरुआत होती है श्री बांके बिहारी के दर्शन से। हम लोग सुबह सुबह 7:30 या 8 बजे ही निकल गए थे दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी का मंदिर काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में है, काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ पे भी कोई कॉरिडोर या डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को ईजिली दर्शन मिल सके और क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। बांके बिहारी में दर्शन करने के बाद हम आगे मदन मोहन मंदिर, जो कि आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, बट मेंटेनेंस की कमी यहाँ पे भी है। घर कितना भी खूबसूरत बना लो, अगर उसकी रंगाई पोताई और मेंटेनेंस नहीं होगी तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। सेम हाल यहाँ के मंदिरों का हो रखा है। नेक्स्ट पड़ाव हमारा था निधिवन का, लेकिन निधिवन के गेट के पास मुझे दिखा ये शाहजी मंदिर। पिछले दो मंदिरों में जो मुझे मेंटेनेंस की दिक्कत लगी, वो शिकायत मेरी इस मंदिर में आके दूर हुई। आपको ये मंदिर बाकी मंदिरों से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि जो इसका आर्किटेक्चर है वो ग्रीक, मुगल और हिंदू का मिक्सचर है। टेढ़े खंबे होने की वजह से इसको टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी कहते हैं, और ये मंदिर काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। अब हम आ गए हैं निधिवन, जो कि वृंदावन की सबसे रहस्यमयी जगह है। आप सोच रहे होंगे मैं इसको मिस्टिकल प्लेस क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे जितने भी पेड़ दिखेंगे वो जोड़े में दिखेंगे, और ये सारे पेड़ तुलसी के एक अलग टाइप की प्रजाति के हैं। यहाँ पर आपको एक पुराना कुआं भी देखने को मिलेगा, जो भगवान कृष्ण के टाइम से है। अगर आप वृंदावन घूमने आते हैं तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो 12 से 4 मंदिर बंद होते हैं उसमें निधिवन बंद भी नहीं होता है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। निधिवन में रात में रुकना मना है, और ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ पर चुपके से रात में रुक जाते हैं वो जिंदा वापस लौट के नहीं आते हैं। ये उन्हीं लोगों की समाधि है जो वहाँ रात में चुपके से रुक गए थे और सुबह मृत पाए गए। वृंदावन की सबसे खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे राधा रमण मंदिर। भीड़ तो आपको वृंदावन के सारे मंदिरों में देखने को मिलेगी, और ये भीड़ साल भर ऐसे ही रहती है। बेटर होगा कि आप वृंदावन में जाते हैं तो वीक डे में जाइए, वीकेंड में जाना अवॉइड करिए। राधा रमण मंदिर भी वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में आता है, और यहाँ पे भी मंदिर कैंपस के अंदर बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी। राधा रमण मंदिर में दर्शन करते करते बज गए थे 12:00, और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि वृंदावन के सारे मंदिर 12:00 से 4 बंद रहते हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग आ गए केसी घाट। हम लोग वृंदावन जनवरी मंथ में गए थे, और उस टाइम पे यमुना रिवर में एक बोटिंग करने का अलग ही एक्सपीरियंस था। आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे बोट के पास कितने सारे सीगल्स आ जाते हैं, जो कि एक साइबेरियन बर्ड्स है और माइग्रेट होकर विंटर में आती है इंडिया। बोटिंग और लंच करने के बाद हम लोग आगे श्री रंगनाथ जी मंदिर, और मंदिर का कपाट खुलने का टाइम हो गया था, और जैसे ही कपाट खुला सबसे पहले हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। प्रेम मंदिर के बाद अगर आपको वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर कोई दिखेगा तो वो है श्री रंगनाथ जी मंदिर। इसका कैंपस भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मंदिर। ये मंदिर भी इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको पूरा एक्सप्लोर करने में 1 से 2 घंटे आराम से निकल जाने हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर साउथ इंडियन स्टाइल में है, और यहाँ पे जो सबसे अलग आपको कुछ देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे एक लगा हुआ सोने का खंभा। श्री रंगनाथ जी मंदिर से 300 मीटर दूरी पर स्थित है श्री गोविंद देव जी मंदिर, और ये मंदिर भी आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही खूबसूरत है। पहले कभी ये मंदिर 7 फ्लोर का हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने इसके ऊपर के 4 फ्लोर को तोड़वा दिया, जिससे आज के टाइम पे केवल 3 फ्लोर का बचा हुआ है। मंदिर खंडित हो जाने की वजह से लोगों ने यहाँ पे आना जाना बंद कर दिया, और यहाँ पे अंदर लाइटिंग
और मेंटेनेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से दिन में भी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है। इस वजह से इसको भूतों का मंदिर भी कहते हैं। अभी तक हमने वृंदावन में जितने भी मंदिर देखे सबका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग ही था। अब एक और मंदिर में हम आ गए हैं, इसका भी आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट है और यह है कांच मंदिर। बाहर से छोटा सा दिखने वाला मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कांच के टुकड़ों से इतने बारीकी से नक्काशी की गई है कि आपको देखने में लगेगा वाव कितनी खूबसूरत जगह आ गए हैं। रात के टाइम पे तो ये मंदिर और भी खूबसूरत लगता है जब लाइटों का रिफ्लेक्शन एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ पे भी एक झांकी बनाई हुई है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसका टिकट मात्र 5 रुपये था और काफ़ी बड़ी सी झांकी थी ये। कांच मंदिर के थोड़ा पहले है जयपुर मंदिर, जो मंदिर कम और किला ज़्यादा प्रतीत होता है। एक्चुअली इस मंदिर को जयपुर के महाराजा ने बनवाया था और इसका आर्किटेक्चर राजपुताना है। वृंदावन का सबसे लास्ट जो मंदिर हमने एक्सप्लोर किया वो था पागल बाबा मंदिर, और ये मंदिर भी बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। व्हाइट मार्बल से बना ये टोटल 7 फ्लोर का मंदिर है और 7वें फ्लोर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ से पूरा वृंदावन शहर देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आगे श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को देखने के लिए, और यहाँ पे मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है तो हमने बाहर से थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर लिया। जन्मभूमि के अलावा मथुरा का एक और बहुत ही फेमस मंदिर है, वो है श्री द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पे हम पहुँच गए दर्शन करने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगरा के सफ़र पर। थैंक यू गाइज़।